नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रागिनी। आप सभी का स्वागत है हमारी किचन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पोहे की चकली की रेसिपी, जिसे आप एक बार बना सकते हैं और सालों साल इसे स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये चकली बनाने के लिए हमें पोहे को पकाना नहीं है और ना ही हमें इसे सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत है। अगर आपके यहाँ हल्की फुल्की भी धूप आती हो तो भी आप इसे इजीली बना सकते हैं, पंखे की हवा में सुखा सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे इसको डीप फ्राई करें और इन्जॉय करें। तो चलिए देखते हैं ये पोहे की चकली हमें किस तरह से बनानी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो पोहा लिया है और पोहे को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके बाद में मैंने एक बड़े से बर्तन में पोहे को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमें इसे अच्छे से वॉश करना है, तो लगभग 3 से 4 पानी से हम इसे अच्छे से धोएंगे ताकि पोहे के अंदर की जो भी गंदगी है, सारी डस्ट जो भी रहते हैं वो निकल जाएँ। तो 3 से 4 पानी से अच्छे से हमें धो लेना है, पोहे को थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। धोते ही धोते हम देखेंगे कि हमारी पोहे जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक बार इसे वॉश कर लिया, दो बार, और इसी तरह से मैं दो बार और वॉश कर लूँगी। टोटल 4 बार मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसका सारा पानी हमें निकाल देना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे जब तक वॉश किया है पोहा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो आपको मैं एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए, जब हम अपने हाथों से पोहे को कुछ इस तरह से मसलेंगे ना तो इसका बहुत ही इजली एक डो बन के रेडी हो जाएगा। मतलब जैसे देखिए हम ऐसे मसल रहे हैं, तो देखिए ये कैसे बंद गया। तो बस इसी तरह का पोहा हमें भिगाना है, मतलब पानी से धो धो के रेडी करना है। तो 4 बार धोने से ये बहुत ही अच्छे से डो के फॉर्म में बन के रेडी होने लगता है। मसालों में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है। बस इतने ही मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। फिर इसे अपने हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। मसल करके इसका एक डो बना करके हमें रेडी करना है। जैसे जैसे हम इसे अपने हाथों से मसलेंगे आप देखेंगे कि पोहे हमारे अच्छे से गूथ जाएंगे, जैसे आटा होता ना आटे की तरह रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा डो हम अपने हाथों पर लेंगे। आप चाहे तो किसी दूध की थैली में या किसी प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह में डाल करके इसे बना सकते हैं, या फिर आपके पास अगर इस तरह का चकली बनाने वाला बर्तन हो जिसे शेव वगैरह बनाया जाता है तो इससे ये बहुत ईजिली बन जाता है। इसमें ये ऐड कर देंगे, थोड़ा सा अंदर तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। इसके बाद हम इसकी चकली बना करके रेडी करेंगे। मैं वैसे ये टूटी फूटी जो चकलियाँ होती है मैं वो बना रही हूँ। आप चाहे तो इसके राउंड राउंड गोल गोल चकली भी बना सकते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे भी मेरे बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने इसलिए इस तरह की चकलियाँ बना के रेडी की है। मैंने इसे रात में बनाया था और पंगे की हवा में इसे सूखने दिया था, और इसके बाद दूसरे दिन मैंने थोड़ी सी इसे धूप दिखा दी 1 दिन की, और बस इतने में ही ये बनके रेडी है। मेरे पास दिन में टाइम नहीं था तो रात को ही बना दिया मैंने इसे। पंगे की हवा में ये रात भर सूखा, उसके बाद 1 दिन का धूप दिखाने के बाद मेरी ये पोहे की चकली बन के रेडी है। अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना रहे हैं तो थोड़े थोड़े दिन में इसे धूप दिखाते रहें, इससे ये और भी ज़्यादा क्रंची बनके तैयार हो जाएंगे। तो गाइस, आपको मेरी पोहे की चकली की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, घर पे ट्राई करिएगा। चलिए हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।